अगर भजन लिखो के वे वो जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। वो जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भजनी को गाना ना चाहिए, उस भजनी को गाना ना चाहिए, उस भजनी को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो भजन को गाना ना चाहिए। और सब पहली बात बताई कहीं जिस माने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको टाइम वास्ती बहुत विशेष बात है पाए चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हेलो भजन को गाना ना चाहिए, उसी भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में और मैं बता रही हूं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। वो भजन तो राम जी को है। एक बार आप सबको आग्रह करूंगी, एक बार दोनों हाथ ऊपर कर जोरदार जयकार भगवान श्री रामचंद्र जी का लगाएं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। वो जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। Thank you.
सब पहली कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। माँ कितना दुख दे के टाबर ने पाल पोस बड़ो करे और अपने एक सेकंड लागे। एक कोई डबोल आदमी हो मारसाती माँ ने बुलाए क्यों क्यों माँ आटा क्यों कहीं बेटा क्यों मैं थारे दूध को कर्ज चुकाने चाहूं। माँ ने बिचारा आएगा क्यों भाई बेटो एडी कहीं बात कर दी। माँ क्यों ठीक है बेटा मैंने 5-6 दिन दे थोड़ा सो हिसाब किताब लगा लू पचे तू मारो कर्जो भले ही चुका दीजिए। एक दिन शाम के टाइम बेटो आयो दुकान में थाक्योड़ो रोटी वोटी जीम जो सोने गयो माँ गई कमरा में बिछावना माते एक पानी को लोटो जार डोल दियो बिस्तर आला कर दिया। वो भाई सोने गयो बिछावना आला क्यों क्यों माँ मारा बिस्तर गीला क्या ने। माँ क्यों बेटा रे बुढ़ा पोए लोटो आत्मो छूट गो क्यों ठीक है। दूसरे दिन पाछो आयो दुकान फिर जी रोटी जिम सोने गयो माँ गई कमरा में एक और पानी को लोटो जार डोल दियो बेटो क्यों क्यों माँ तू आज फेरू बिस्तर आला कर दिया। माँ क्यों बेटा रे गलती हुई अब मैं थार कमरा में पग ही नहीं रखूं क्यों ठीक है। तीसरे दिन पाछी भई बात चौथे दिन पाछी भई बात यूं करता करता 6 दिन होगा और जो छठे दिन बिस्तर आला ला दिया तो बेटो अपनी माँ ने बुलाई क्यों क्यों माँ हटाओ तने कितनी बार समझाएड़ो है बूढ़ा पायोड़ो है तू खाली रोटी काम रहा क्या कर मारा कमरा में पग रखने की जरूरत नहीं है रातों पीड़ो यो बड़ी रीस सही। माँ क्यों बेटा तू मैंने कहा क्यों मैं तारे दूध को कर्ज चुकानी चाहूं 6 दिन में चुका दियो तू 6 वर्षा को जटती आधी रात का धार छोड़ दे तो और बिस्तर आला कर दो पर मैं तने आज तक बिछावना हूं नीचे नहीं सुलई। तू माँ की ममता को तो कोई पार है नहीं कहा जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए और जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। दूसरी बात कि बेटा कितना लाडला हो उसे सर पे बैठाना ना चाहिए और बेटी कितनी भी प्यारी हो उसको घर घर में घुमाना ना चाहिए। क्योंकि कवि लोग बात लिखी है कि राजा चंचल हो ही जीत कर मुल्क को लावे मुल्क यानी देश राजा चंचल हो ही जीत कर मुल्क को लावे और पंडित चंचल हो ही सभा ने उत्तर दियावे अरे हाथी चंचल हो ही समर में सूंड उठावे अरे अश्व भलो हो ही जपटी मैदान दिखावे। ये चारों चंचल भले ये चार चंचल देवे जी तो ठीक है ये चारों चंचल भले राजा पंडित गज तुरी और बेताल कहे विक्रम सुनो तिरिया चंचल अति बुरी। तो और एक बहुत बड़ी बात संत महात्मा आगे लिखे कि वे हो चाहे भैया कितना फेरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए चाहे भैया कितना पेरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। सुदर्शन जी कठिन गया ध्यान रखे जो चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए जिस भजन में दोनों हाथ ऊपर और ताली के साथ में वो जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए श्याम रामचंद्र भगवान की उस भजन को गाना ना चाहिए 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 जिस भजन में राम
राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और भगवान श्री राम की कुछ एक अमृतवाणी की एक दो पंक्तियां आपके बीच गा रहा हूं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, ताली बजाए आनंद आ रहा है तो। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परिमात्मा परम पुरुष सुखधाम, जन पावन परिमात्मा परम पुरुष सुखधाम। राम नाम की झोपड़ी पापी राक्षस का, राम नाम की झोपड़ी पापी राक्षस का, आग लगो उस गांव को जहां नहीं है राम रोना, आग लगो उस गांव को जहां नहीं राम रोना। राम नाम रटते रहो जब लग भट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्याम रामचंद्र भगवान की।